हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक कमेंट पे आज एक वीडियो बनाने आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। वो कमेंट आया था कि सर, मेरे पास SMPS नहीं है और मेरा जो AMPS है वो भी शॉर्ट कर गया है, जो टर्मिनेशन, तो मैं कैसे होटल को सप्लाई दूँ। तो मैं इसी पर एक वीडियो लेके आया हूँ। चलिए, मैं आपको दूसरा एक कोई अल्टरनेट, जो अल्टरनेट तरीका होता है, कोई दूसरा तरीका होता है जिससे हम होटल को सप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए, मैं जो SMPS वाला आप देख लीजिए और AMPS वाला भी देख लीजिए आप, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं जो CPU है, CPU से हम ये जो CPU है, ये CPU में भी एक जगह ऐसा होता है, एक टर्मिनेशन, जहां से हम सप्लाई होटर को दे सकते हैं, 24 वोल्ट DC सप्लाई दे सकते हैं। तो इसका ये एक लोकेशन होता है, ये टर्मिनेशन है, CPU के साइड में होता है ये वाला टर्मिनेशन। यहां से आप हुटर को सप्लाई दे सकते हैं। चलिए, मैं आपको आगे वीडियो में मैं दिखाता हूं कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि यहां पे वोल्टेज कितना आ रहा है, क्योंकि हमें 24 वोल्टेज चाहिए ही चाहिए हुटर को बजाने के लिए। तो हमें पहले इसका आपको दिखा रहा हूं, मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूं पहले कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है मेरा। दोस्तों, मैं दो वायर लेकर के इसमें मैं टर्मिनेशन कर रहा हूं, इस तरह से दो वायर लिया हूँ, रेड ब्लैक, यहाँ पे अंदर इंसर्ट कर दूंगा इसमें, इस टर्मिनेशन में। मेरा इंसर्ट हो गया है कुछ इस तरह से। अब इसको मैं यहाँ पे मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। इसका वोल्टेज चेक करूंगा मल्टीमीटर से, इस वाले यहां से आकर के, यही वाला वायर है मेरा, इस पे मैं वोल्टेज चेक करूंगा। मैं DC वोल्टेज पे पहले मल्टीमीटर को सेट करना है अपना। तो देखिए, 24 वोल्टेज, 22 वोल्टेज तक आ रहा है इसमें। मैं देखता हूं कि इसमें होटर बज रहा है कि नहीं, वो भी मैं करके दिखाता हूं आपको, डेमो करके दिखाऊंगा। लेकिन इसमें वोल्टेज मेरा आ रहा है, 22 वोल्टेज DC वोल्टेज आ रहा है। अब मैं आपको हूटर से डायरेक्ट बजा करके दिखाता हूँ। पास ही मेरा हूटर है, तो इसमें सफिशियंट वोल्टेज है इसको चलने के लिए। अब आपको मैं पूरा जो फ्लैट में वायरिंग होता है कंट्रोल मॉड्यूल वगैरह से, जो अलार्म के कंडीशन में, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, जो फायर के कंडीशन में, डिटेक्टर में फायर आता है तो उस पर भी दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको फायर करके फायर केस में दिखा रहा हूँ आपको, हूटर कैसे बज रहा है इसमें। इस तरह से वर्क करता है दोस्तों।